मंच पर आके हम सबके नेता और एमएलसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजय शिवहरे जी इस क्षेत्र से भाजपा के राज जी हम सबके श्रद्धे मनोहरी जी ठाकुर साहब ठाकुर जी और निहाल सिंह प्रकाश जी अपने प्रभु चौधरी साहब महेंद्र जी सभी जी सभी को जब प्रताप लेंगे तो शाम हो जाएगा शाह साहब बदल लिया मैंने मित्रों तीन प्रकार की सरकारें होती हैं और तीनों प्रकार की सरकारों के अलग अलग काम हैं और तीनों ही सरकारों में आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं दिल्ली सरकार यानी केंद्र की सरकार वहां आपकी आवाज बुलंद करने के लिए आप सांसद चुनते हैं प्रदेश यानी लखनऊ की सरकार वहां आप अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने विधायक को चुनते हैं आप लोगों ने तीन बार से मुझे चुना आपने मुझे आशीर्वाद दिया और लोकल सरकार नगर निगम की इसके लिए आप पार्षद और मेयर चुनते हैं पिछले कई बारों से चौथी बार आप ओम प्रकाश जी को चुनते आ रहे हैं इतने छोटे चुनाव में चौथी बार चुनाव लड़ना और जीतना एक बहुत बड़ी बात है नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी होती है और उस सबसे उभर कर पब्लिक के दिलों में राज करना एक बड़ी बात है कहीं भी किसी भी प्रकार का वोट डालने के लिए तीन कसौटी होती है पहली कसौटी यह कि उस पार्टी का नेतृत्व कैसा है दूसरी कसौटी कि उस पार्टी के सरकारों के काम काज कैसे और तीसरी कसौटी कि वो प्रत्याशी जो उस पार्टी ने दिया है वह कैसा है थोड़ा थोड़ा तीनों कसौटियों में मैं कसता हूं अपने पार्टी के नेतृत्व को पार्टी के कामों को और प्रत्याशी को तब मुझे कहने में गर्व है कि मेरा नेता मोदी है और मेरा नेता योगी है और दल के पास ऐसा नेता हो तो बताइए देश का प्रधानमंत्री मोदी आज अपने कार्यों से अपने कृतित्व से अपने व्यक्तित्व से दुनिया का प्रधानमंत्री बन चुका है पूरी दुनिया में हमारा सम्मान हो रहा है पूरे विश्व में आज जो घंटा बज रहा है भारत और भारतवासियों का जो सम्मान मिल रहा है इससे पहले नहीं था एक उदाहरण बताना चाहूंगा बस मैं कि अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझको नीदरलैंड और पेरिस भेजा था वहां से इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए हमारे जीजाजी जो इंदौर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो भी 20-22 साल पहले पेरिस गए थे उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा जा रहे हो भाई मैंने कहा क्यों बोले वहां भारतवासियों को बड़ी हिकारत से देखा जाता अगर तुम कहोगे वी आर इंडियन तो ऐसे देखेंगे कि जैसे जिन्हें कहां से आ गया था अब मैंने कहा सरकार ने भेजा है मुझे जाना है वहां के इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना है हम गए इन्वेस्टर्स के साथ दिन भर मीटिंग चली मीटिंग में महसूस हुआ कि वहां के लोग भी उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में काम करने के लिए उत्साहित हैं और सबसे ज्यादा कब महसूस हुआ पेरिस का इत्र मशहूर है आप सब जानते हैं तो मैंने वहां परफ्यूम के लिए एक दुकान पर गया जो फेमस दुकान थी वहां की वहां के लोग एक बात गौर करने की है कि जब तक सामने वाला फ्रेंच नहीं जानता है तब तक फ्रेंच में बात करते हैं नहीं जानता है तब इंग्लिश में बात करते हैं वरना उनको गर्व है अपनी मातृभाषा पर फ्रेंच में बात करते मैं पहुंचा तो सेल्स गर्ल खड़ी थी उसने फ्रेंच में मुझसे कुछ कहा
मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच, तो बोली फ्रॉम वेयर यू आर, मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम इंडिया फ्रॉम योगीज कंट्री, वेलकम वेलकम। ये बदलाव हुआ है आज और पुराने साल पुराने, ये दिया है मोदी ने। दूसरा कहा यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, शी सेज लाइक दैट यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, ओ वेलकम वेलकम। ये सम्मान जो मिला, मेरा सीना 56 इंची का हो गया, ये दिया मोदी ने देशवासियों को और देश को। ये मेरा नेता है, हमारी पार्टी का सक्षम नेतृत्व और उसका व्यक्तित्व ऐसा किसी और पर नहीं है। योगी जी के बारे में आप सब जानते हैं, क्या गुंडागर्दी का राज था, माफियाओं का राज था, माफियाओं से व्यापारी खौफ सजा था, आज माफिया खौफ सजा है, उल्टा हो चुका है। आप लोग सुनिए, इसमें सोने चांदी का काम करते हैं, पायल पायजेब का काम करते हैं। एक उदाहरण से समझा दूंगा यहाँ का भी। अभी कुछ दिनों पहले विजय जी भी थे उस एग्जीबिशन में, पूरे देश के व्यापारी, सोने चांदी के व्यापारी जो गहने बनाते हैं वो आए थे। केएनसी जो वहां पर एग्जीबिशन हुई थी, स्टॉल लगे थे, उनका सोने चांदी का सामान ऐसे बिखरा हुआ था। मैंने उसमें एक व्यापारी से पूछा, मुंबई का था, मैंने कहा आपको डर नहीं लगता या तो चेन छिन जाती है बाजारों में? बोला अब यहाँ पर योगी खरा, ये दिया मेरे नेता, जहां पहले चेन ना करती थी वह चेनों के बाजार खुले आम लगे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ये बदलाव दिया। इसी का एक और उदाहरण बताऊंगा, आप सब जानते होंगे सिराज कुरैशी को, यहाँ पर पत्रकार है, इंडिया टुडे के पास भी रहते हैं। उनका बेटा समीर कुरैशी राष्ट्रीय सहारा का पत्रकार है। राष्ट्रीय सहारा ने पिछले 2022 के चुनाव से पहले एक सर्वे कराया था, सर्वे में एक परफॉर्मा था जिसमें लिखा था कौन मुख्यमंत्री चाहते हैं आप, योगी, मायावती या अखिलेश, और हर बिरादरी से, हर जेंडर से, हर धर्म के लोगों से सर्वे हुआ था। जब सर्वे उसके सामने आया वापिस, तो वो बताता था, समीर कुरैशी ने मुझे बताया कि मैंने मुस्लिम महिलाओं का सर्वे देखा तो लगभग 25-30% मुस्लिम महिला ने योगी आदित्यनाथ का टिकट लगाया। उसको क्यूरियोसिटी हुई, क्यूरियोसिटी हुई तो उसने अपनी पत्नी वाला निकाला परफॉर्मा, कि उसने कहा मेरी पत्नी ने आखिर क्या लिखा, वो कहता है कि मेरी पत्नी ने भी योगी आदित्यनाथ का टिकट, तो बोला मैंने अपनी पत्नी को बुलाया कि भाई ये क्या मामला है, क्या 3 तलाक की वजह से तूने लिखा है, टिक लगाया है? तो उसका जवाब सुनने लायक है, बोली ना तो मैं मजहब जानती हूँ ना सियासत जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि इससे पहले योगी राज से पहले जब निकलती थी अपनी सोने की चैन उतार के नकली चैन पहन के निकलती थी, कोई या कोई बालक को या मर्द को साथ ले जाती थी, आज बेखौफ निकलती हूँ, असली सोने की चैन पहन के निकलती हूँ, ये योगी राज की है। ये बदलाव हुआ है, योगी जी ने किया है प्रदेश की जनता को, सुरक्षा की भावना दी है। तो अगर नेताओं की कसौटी पर खड़े देखेंगे तो हमारे नेता खड़े उतरते हैं, इसलिए हम वोट मांगने का आपसे अनुरोध करने का हक रखते हैं। अब काम काज पर अगर आते हैं तो काम काज का एक लंबा सिलसिला है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अगर हम गिनाना शुरू करेंगे, सुबह से शाम हो जाएगी, मोदी और योगी के सरकार के काम गिना नहीं पाएंगे, इतने काम। मैं महिलाओं के लिए पूछना चाहता हूं कि जब महिला, आप आगरा में देखते होंगे कभी ट्रेन से आते होंगे सुबह सुबह, तो किनारे बैठे हुए शौचालय करते हुए लोग दिखते हैं,
महिलाएं या तो पांव फटने से पहले या अंधेरा होने के बाद जाती थी। दिन में यदि कभी एहसास होता तो तड़पती रहती थी, क्या करें। इस उनकी वेदना को किसने समझा, इनके दर्द को किसने महसूस किया। बहुत से उत्पन्न आए, सपा के आए, बसपा के आए, कांग्रेस के आए, किसने समझा इस दर्द को। हमारे नेता मोदी और योगी ने शौचालय दिए जिसको इज्जत घर कहा गया, घरों में बस्तियों में शौचालय दिए जिससे कि उनको अपने निवृत्त होने के लिए घर पर या बस्ती में सुविधा मिले। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता की है तो हमारी सरकार। महिलाएं जो जिनके यहाँ गैस के चूल्हे नहीं थे वो कंडे में या लकड़ी में खाना बनाती थी, एक बार के खाने में 100 सिगरेटों का धुआं कर लेती थी, आंखों में झेलती थी, उनके फेफड़े खराब होते थे, आंखें खराब होती। इससे पहले किसी हुक्मरान ने क्यों नहीं समझा इस बात को, मोदी जी ने ही क्यों समझा, क्यों उन्होंने इस दर्द को महसूस किया। क्योंकि वो जनता के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के दर्द को जानते थे। मुफ्त में चूल्हे दिए, गैस दी, आयुष्मान कार्ड दिए, 5 लाख तक की बीमारी का इलाज कर सके वो गरीब। इलाज की कैसी जरूरत होती है मालूम है आप, आपने सुना होगा कभी, किसी माँ को या पिता को डॉक्टर के पास कहते हुए कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए चाहे मेरा घर भूखा बैठ जाए, या किसी बेटे को अपने पिता माता के लिए मेरे माँ बाप को बचा लीजिए चाहे मेरा घर भूखा बैठ जाए। सुना कि नहीं सुना, होता है कि नहीं होता है। उनके लिए किसने दर्द महसूस किया, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था किसने की, हमारी सरकार मोदी की सरकार। और योगी सरकार ने आपको ऐसे मेडिकल कॉलेज दिया, इसका अपग्रेडेशन, क्या हाल था ऐसे मेडिकल कॉलेज का योगी जी की सरकार से पहले। एक उदाहरण बताना चाहूंगा काफी होगा कि जब मैंने आप लोगों ने मुझे दोबारा चुना, पहली बार गंगा जल लेकर आया आपकी आशीर्वाद से, लोगों की दुआओं से, आगरे के पीने की पानी की समस्या के लिए, दूसरी बार बीमारी यहाँ के लोगों को कहीं दूर न जाना पड़ा, यहीं पर इलाज हो, एसएन मेडिकल कॉलेज गया था सर्वे करने, कहाँ क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, क्या ठीक हो सकता है। वहाँ की लड़कियाँ आई मेरे पास हॉस्टल की, बोले सर जरा हमारा हॉस्टल देखो। मैंने कहा हॉस्टल में क्या देखना भाई, मैं दूसरी चीज़ देखने आया हूँ, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ खुलेगा, इस डिपार्टमेंट में कहाँ तरक्की करनी है, क्या होना है। बोले एक बार हमारा हॉस्टल देख लिया। मैंने प्रिंसिपल बुलवाई, सरोज से मैडम प्रिंसिपल थे उस समय, मैंने कहा मैडम क्या कह रही है हॉस्टल देख लिया। तो बोले कि अरे छोड़िए हॉस्टल बंद देखिए हम वो देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा हॉस्टल बंद देखिए, मैं समझ गया कुछ ना कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली। मैंने कहा चलिए आप आगे चलिए, मैं देखना चाहता हूँ। शर्मनाक और दर्दनाक बात क्या थी कि गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूमों में दरवाजे नहीं थे, ये स्थिति। कैसी सरकारें थी जो लिखकर भेजती थी कि फंड नहीं है, क्योंकि मैडम से मैंने पूछा सब क्या है साहब, तो बोले कि साहब फंड नहीं है। मैंने कहा क्यों, आपने सरकार को लिखा जो उससे पहले 17 से पहले उनकी सरकार थी अखिलेश, बोले लिखा था लेकिन जवाब ही आया। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, इतनी संवेदन शून्यता वाली कोई सरकार हो नहीं सकती। उन्होंने मुझे पत्र लिखाया जिसमें साफ लिखा था फंड के अभाव में हम यहाँ आपकी मदद नहीं कर सकते। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला उस समय, सैफई में मुंबई वालों के ठुमके लगाने के लिए फंड था, लड़कियों के हॉस्टल के दरवाजे के लिए फंड नहीं। ऐसी सरकारें थी। और आज देखिए कितनी तरक्की हो रही है, वहां पर 500 करोड़ की सुपर स्पेशलिटी भाग की बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी व्यवस्था लिखी कि हम क्या क्या चाहते हैं, यहाँ क्या क्या खामियां हैं। योगी जी को लेकर आया यहाँ पर, दिखाया एस एन मेडिकल कॉलेज, और उस समय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा थे, उनको 2 बार ला के दिखाया, बताया, सैंक्शन हुआ है, सुपर स्पेशलिटी भाग खुलेंगे,
550 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, 550 करोड़ और सेंक्शन हो चुका है वहां पर इक्विपमेंट के लिए, फैकल्टी के लिए। अब यहाँ के लोगों को इलाज नहीं मिलेगा, उनको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। ये आपके पास विधायक जो आप लोगों ने जिसको सुना है, उसने कोशिश की और मेरे नेताओं को मुझे आशीर्वाद मिला, काम उनकी सरकार से पूरा। पानी के बारे में अभी विजय जी बता ही रहे थे, पानी खाकपति से खरबपति तक चाहिए। क्या था इससे पहले पानी, कैसा पानी आता था, और अब गंगा जल आ रहा है और तिरुवन जिले पर सीधा चढ़ रहा है, ये बदलाव आया है। नौ जनवरी 2019 आगरा की वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया है कि जब मेरे नेता ने बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई थी, वह इतिहास बन गया। ये किया है हमारी सरकार, मगर वो काम बताऊंगा तो शाम हो जाएगी, कब खत्म नहीं होंगे। तो नेता हमारे अच्छे, हमारी सरकारों के काम अच्छे। अब प्रत्याशी को कसौटी पर करी तो आगरे भर में पार्षद जितने भी है, मैं बेस्ट, अगर मुझसे कोई कहे कि चुनो तो मैं ओम प्रकाश ठाकुर को, इतना बढ़िया प्रत्याशी आप, गली गली कुछ ये बता देगा कि यहां से पानी की लाइन जा रही है कि नहीं जा रही, वहां से जा रही है कि नहीं जा रही है। कोई आते हैं कि फलानी समस्या में, कब ओम प्रकाश जी ने बताओ, बोले भाई साहब यहाँ से लाइन जा रही है, इसको ऐसे करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए, ऐसा नक्शा फिट है उनके दिमाग में कि पूरे इलाके का कौन सी सीवर लाइन कहाँ से जा रही है, पानी की लाइन कहाँ से जा रही है, कौन सी सड़क खराब है, कौन सी गली खराब है, और काम कराते। मेरे विधायक निधि का पहला काम ये जो ये बना है, इससे पहले क्या दुर्दशा थी, इन्होंने 81-80 लाख का काम नहीं करा लिया था ओम प्रकाश जी ने, अब मुझे भी करना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने मुझे भैया विधायक बनाया था, और यहाँ से जब लौटा था स्वागत के तो उसमें लड़खड़ा था, वो जा रहा था। तो आपका प्रत्याशी भी अच्छा, हमारी सरकार के काम भी अच्छे, हमारा नेतृत्व भी मिसाल, इसलिए वोट का अनुरोध करने का हम अधिकार रखते हैं आप लोगों से, विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारे प्रत्याशी को पार्षद के लिए भी और मेयर के लिए दोनों पर कमल का निशान पर बटन दबाएं, क्योंकि डबल इंजन सरकार है, जब ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी तो गति विकास की तेजी होगी। इसी अनुरोध के साथ, जैसा अभी विजय जी ने कहा, जल्दी मतदान कर लीजिएगा, गर्मी है, पहले मतदान बाद में जलपान, अपना वोट डालिए, अपने परिवार का डलवाइए, अपने पड़ोसी का डलवाइए, अपने रिश्तेदार का डलवाइए, जहां भी रिश्तेदार हो, तो मेयर भी हमें अपना बनाना है और पार्षद भी अपना बनाना है। इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।